वेलकम टू एग्ज़ाम मोटो अ वे टू आर लर्निंग। मैं सुनीत पटेल आपका दोस्त। आज हम ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं सोयल इरोजन। ठीक है, इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस देखेंगे तो जो चैप्टर हो जाएगा जीएस सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है भूगोल के अंदर, जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में, वीडियो के एग्ज़ाम में, लेखपाल, रेलवे या फिर जितने भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए तो हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं जिसका नाम है सोयल इरोजन, जिसको हम लोग कहते हैं मृदा अपरदन। ठीक है, देखिए मृदा अपरदन होता क्या है, यानी इरोजन क्या होती है। ठीक है, देखेंगे। यह प्राकृतिक रूप से होने वाला एक भौतिक प्रक्रिया है इसमें जल या वायु द्वारा भूमि के ऊपरी मृदा के कणों को अलग कर बाहर ले जाना सम्मिलित होता है। ठीक है, देखिए इरोजन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मिट्टी का सरफेस है, ये मिट्टी का सरफेस है। अब देखिए, अब जब बारिश होती है इस पर, तो बारिश होने के साथ साथ जो ये जब बारिश होती है इससे पानी बहने लगता है, इससे बहता है पानी बारिश होके, तो पानी जो बारिश के साथ जो मिट्टी इसके साथ बहने लगती है, ठीक, जो मिट्टी इसके साथ बहती है, बह के कहीं और जाती है या फिर नदी के साथ बह जाती है, यहाँ की मिट्टी खत्म हो जाती है, तो इसी को हम लोग मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन कहते हैं। जब ये रेगिस्तानी एरिया होता है, सूखी मिट्टी होती है, तो हवा भी इसको बाहर अपने साथ ले जाती है, तो ऐसे जो प्रक्रिया होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें विशेष तौर पे हम लोग नदी द्वारा बात करेंगे। जो नदी होती है, जो रिवर है, रिवर द्वारा जो सॉइल इरोजन होता है, जो नदी जो रिवर द्वारा मिट्टी का कटाव होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखेंगे जो नदी द्वारा जो सॉइल इरोजन होता है, जो नदी द्वारा अपरदन होता है, ये तीन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, तीन बातों मुख्य रूप से तीन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। इससे पहला क्या है, पहला है स्लोप यानी कि ढलान इसका, दूसरा है वेलोसिटी ऑफ वाटर यानी कि जल का वेग, एंड सेडिमेंट्स इन द वाटर यानी कि पानी के अंदर कितना सेडिमेंट्स है। ठीक है, ठीक है, स्लोप क्या है, स्लोप जितना फास्ट होगा, मतलब नदी का ढलान जितना तेज होगा अपरदन उतना ही तेज होगा, और नदी का ढलान जितना स्लो होगा, धीमा होगा, जितना ढलान कम होगा उतना ही जो है कि नदी द्वारा अपरदन कम होगा। और वेलोसिटी ऑफ वाटर, जितना नदी का पानी जितना तेज बहेगा उतना ही तेज वो अपने साथ आसपास की मिट्टी को काट के अपने साथ बहेगा, और नदी का पानी जितना स्लो चलेगा वैसे ही उतना ही धीमा मिट्टी का कटाव होगा। ठीक, तो सॉइल इरोजन धीमा होगा। और सेडिमेंट्स इन वाटर, सेडिमेंट्स क्या होते हैं, देखें आपने देखा होगा जब बाढ़ आते हैं, ठीक है, जब बाढ़ आता है तो देखेंगे बाढ़ का पानी काफ़ी गंदा होता है, मटमैला रंग का होता है, तो मटमैला क्यों होता है, क्योंकि वो पानी अपने साथ क्या करता है, मिट्टी के कणों को अपने साथ बहा के ले जाता है। ठीक, तो वही मिट्टी जब देखेंगे, जब वो मिट्टी फिर जब पानी स्थिर होता है तो मिट्टी बैठती है, तो वही मिट्टी देखेंगे जब बाढ़ के बाद देखते हैं घाटों के किनारे या फिर अलग अलग मतलब उन क्षेत्रों में जहाँ बाढ़ आते हैं वहाँ पर एक नई मिट्टी का जमाव होता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये फायदेमंद होती है और नुकसानदेह भी होती है। तो उसी पानी के अंदर कितना सेडिमेंट्स की मात्रा, मतलब उसके अंदर कितने मिट्टी के कण या फिर कैसे रॉक्स के पार्टिकल कितने हैं, इस पर डिपेंड करता है कि ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा होगा उसमें मतलब पार्टिकल्स जितना अधिक होंगे उतना अधिक अपरदन होगा, इरोजन होगा, जितना कम होंगे कम होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एक आपका रूल है, रूल क्या है, रूल ये है कि वेलोसिटी, जैसे जो वेलोसिटी होती है, इस वेलोसिटी का स्क्वायर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इरोजन के फोर्स पावर। क्या इसका मतलब क्या है कि जगह जब कभी भी हम पानी के वेग को यानी पानी के वेलोसिटी को दोगुना करेंगे तो इसका जो इरोजन का कार्यक्रम है, जो इरोजन होने की जो प्रक्रिया है, ये चार गुना बढ़ जाएगी। ठीक, यानी कि जब वेलोसिटी दोगुनी होगी तो इसका इरोजन क्या होगा, चार गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, ये रहा मामला इसका। अगला देखेंगे, अगला है कि अपरदन होता है वो चार प्रकार से होता है। ठीक है, नदी द्वारा जो अपरदन होता है वो चार प्रकार से होता है। पहला कौन सा है, कोरोजन, जिसको हिंदी में कहते हैं अपघर्षण, और दूसरा क्या है, दूसरा है सन्निघर्षण, इसको एट्रिशन कहते हैं, और तीसरा आपका हाइड्रोलिक एक्शन, जिसको जल दाब क्रिया कहते हैं, और चौथा है सोल्यूशन, इसको हम लोग घोलीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए हम एक एक को समझने की कोशिश करते हैं कौन किसको हम लोग क्या कहते हैं। देखें कोरोजन क्या होता है, देखें ये जो हमारा इरोजन होता है, जो सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन में को सॉइल इरोजन का एजेंट होते हैं, एजेंट मतलब ऐसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो कि मिट्टी को काट के अपने साथ ले आते हैं, जिसको हम लोग रॉक, जिसमें रॉक के पार्टिकल्स होता हो सकते हैं, कुछ कुछ मजबूत ठोस पदार्थ हो सकते हैं। ठीक, तो ये सब क्या करते हैं, मिट्टी को काटते हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग इरोजन एजेंट कहते हैं। ठीक है, अपरदन एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो जब जो कोरोजन में क्या होता है, जितने भी आपके इरोजन एजेंट होते हैं, जो रॉक के पार्ट्स होते हैं या फिर कोई सॉलिड पार्ट्स होता है, ठीक है, जब ये दूसरे रॉक को, ठीक, जब ये दूसरे रॉक को या दूसरे हार्ड सरफेसेस को जो क्या करते हैं, जब उस पर खुरसते हैं, उस पर फ्रिक्शन करते हैं, ठीक है, या फिर उसको तोड़ते हैं, ठीक, तो ऐसे जब ऐसी प्रक्रिया होती है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोजन कहते हैं। यानी कि जब
जब इरोजन जो एजेंट होते हैं वो दूसरे दूसरे रॉक्स को या मिट्टी को या दूसरे दूसरे सरफेस को जब वो रगड़ते हैं या उसको खुरचते हैं या अपने साथ उसके पार्टिकल तोड़ तोड़ के अपने साथ ले जाते हैं, तो ऐसे प्रोसेस हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोसेस क्या कहते हैं हम लोग, कोरोजन कहते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला होता है एट्रिशन। एट्रिशन क्या कहते हैं, सन्निघर्षण। सन्निघर्षण क्या होता है, इसमें जो जो इरोजन के एजेंट हैं, ठीक है, जो इसमें इरोजन के एजेंट हैं, जब ये एजेंट जब आपस में क्या करते हैं, आपस में फ्रिक्शन करते हैं। ठीक है, आपस में फ्रिक्शन मतलब कि आपस में जब वो घिसते हैं, जैसे ये दो पार्टिकल्स हैं, ये दोनों पार्टिकल्स आपस में घिसेंगे तो इसके कुछ ना कुछ पार्ट देखेंगे, इससे कुछ कुछ पार्ट से क्या होगा, एक दूसरे खुरच के इससे निकलेंगे या फिर इससे टूट के बाहर निकलेंगे, तो इससे भी क्या होगा, यहाँ पे इनके पार्टिकल कटा होता है। ठीक, जब इरोजन एजेंट आपस में खुरचते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उसको एट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अगला है हाइड्रोलिक एक्शन है, जलदाब क्रिया। देखिए, जलदाब क्रिया को क्या होती है, देखिए हमारी नदी है, ठीक है, जब नदी में पानी होगा तो नदी में पानी जो होगा इधर अपने से किनारे, नदी का पानी जब होगा तो उसमें दबाव होगा नदी में ना, जब नदी के पानी का जब पा, नदी के पानी होगी तो अपने चारों तरफ दबाव बनाएगी, तो उस दबाव के कारण जो मिट्टी किनारों को टूट जाती है या फिर दबाव के कारण जो मिट्टी किनारे के बहने लगती है टूट के उसके साथ, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं, जलदाब क्रिया कहते हैं। और तीसरा क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, जब पानी के अंदर पानी के साथ जो सॉफ्ट रॉक होते हैं, ठीक, सॉफ्ट रॉक जो होते हैं ये पानी के अंदर टूट करके पानी में भी घुल जाते हैं। ठीक है, पानी में घुल करके पानी के साथ वो बहने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं बेस लेवल की। ठीक है, बेस लेवल, बेस लेवल क्या होता है, ठीक है, मतलब ये यानी बेस लेवल का जो कॉन्सेप्ट है ये 1875 में वेस्ली पावेल ने दिया था। ठीक है, बेस लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था, 1875 में ठीक है। वेस्ली। अब बात करते हैं बेस लेवल क्या होता है, ठीक है, बेस लेवल जो होता है, बेस लेवल किसी घाटी या नदी का निम्नतम तल होता है जिसके नीचे अपरदन नहीं होता है, यानी कि नदी जो होती है नदी में अपरदन इतना हो जाता है कि इसके नीचे अब अपरदन होने की कोई संभावना नहीं होती, यानी उस नदी में इरोजन होने की पूरी संभावना खत्म हो जाती है, तो ऐसे जो जो वो लेवल हो जाता है, इस लेवल पे ऐसे ऐसा मतलब इरोजन होना बंद हो जाता है, उसी लेवल को हम लोग क्या कहते हैं, बेस लेवल कहते हैं। ठीक है, और जो नदी, ठीक है, जो नदी बेस लेवल को प्राप्त कर लेती है, ठीक है, जो नदी बेस लेवल को प्राप्त कर लेती है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेडेड रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उसको हिंदी में कहते हैं प्रवणित नदी। ठीक है, प्रवणित नदी क्या होती है, ऐसी नदी जो कि अपने बेस लेवल को प्राप्त कर लेती है। देखिए, जो रिवर होता है, रिवर रिवर जो है, रिवर रिवर का जो अपरदन होता है, यानी रिवर का जो इरोजन होता है, ठीक है, SIOM, ठीक है, जब रिवर का जो अपरदन होता है वो इसके उसके स्टेज पर डिपेंड करता है, यानी जो अपरदन होती है वो तीन स्टेज होती है इसके, कौन कौन, स्टेज 1, 2 और 3। स्टेज 1 में देखेंगे तो इसमें वर्टिकल इरोजन होता है, यानी कि नदी जो होती है अपने गहराई को बढ़ाती है। ठीक है, नदी क्या करती है, पहले अपने गहराई को बढ़ाती है, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल इरोजन कहते हैं। और सेकेंड स्टेज में क्या होता है, नदी अपने लेटरल यानी हॉरिजॉन्टल मतलब कि हॉरिजॉन्टल वो इरोजन करती है, यानी कि नदी जो होती है अपने किनारे की मिट्टियों को काट करके क्या करती है, खुद को और चौड़ा बनाती जाती है। ठीक है, और खुद को क्या करती है, और चौड़ा करती जाती है। और थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में जो जो इरोजन होता है इसमें डिपोजिशन का काम होता है, यानी जो मिट्टी काट के मतलब नदियाँ लेके जाती हैं इसमें क्या होता है, वो डिपोजिशन का काम करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखिए, जो नदी होती है, जो नदी या वैली होती है इनका जो बेस होता है, जो बेस लेवल होता है वो स्मूथली कर्व शेप में होता है। ठीक है, ऐसे जो नदी होती है इसका स्मूथली क्या होता है, ऐसे कर्व शेप में होता है, इसको जो बेस लेवल होता है नदी का वो कैसा होता है, स्मूथली कर्व शेप में होता है। ठीक है, चलिए, तो आज आई होप कि आपको ये टॉपिक सॉइल इरोजन यानी कि जो मृदा अपरदन आपको समझ में आएगा, और आज के टॉपिक के आधार पर हमने आपके लिए एक प्रश्न बनाया है, आपको इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है। आपका प्रश्न क्या है कि बेस लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आप सुन लीजिए फिर से एक बार कि जो आपका क्वेश्चन क्या है कि बेस लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था। ठीक है, देखिए आज का जो टॉपिक था हमारा सॉइल इरोजन का टॉपिक था, और आई होप कि आपको टॉपिक काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा, और आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा इसको रिपीट करके देख सकते हैं, जिससे कि आपका टॉपिक जो है ज्योग्राफी का एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए, और आज के वीडियो लोग यहीं रोकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको आपको इसका लाभ जरूर मिला होगा। अगर आपको हमारा कम पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपके विचार हो तो विचारों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और हो सके तो अपने दोस्त और मित्रों सा सके संबंधियों के पास इस वीडियो को पहुँचाएँ, जिससे कि
हम आपके पास अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की पूरी कोशिश कर सकें। ठीक है, चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।